प्यारे, ये निर्गुण जीवन बड़ा कठिन। भजन बड़ा ही सुंदर है, तन की चादर पुरानी हुई बावरे, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा, कर पतन कर्म का दाग धोया नहीं रोज गंगा नहाने से क्या। ये तो बात सही है, जब वृद्ध हो जाएं कितनी भी ब्यूटी पार्लर गला लें नहीं नहीं हो सकती। पाप करें और गंगा में नहाएं, डुबकी लगाएं, पाप धुल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे भारत की संस्कृति में गंगा महान है, गंगा का जल पवित्र है, शांति देने वाला है, पापों को दूर करने वाला है, लेकिन ये नहीं जो तूने किया है। कर पतन कर्म का दाग धोया नहीं, पूरे कर्मों का पतन अच्छे कर्मों से ही। संघर्ष का सौंदर्य बड़ा ही सुंदर बताया। एक दिन मिट्टी ने मटके से पूछा, मैं भी मिट्टी और तू भी मिट्टी, परंतु पानी मुझे बहा ले जाता है और तुम पानी को अपने में समा लेते, वह तुम्हें गला भी नहीं पाता, ऐसा क्यों? मटका हंसकर बोला, भैया यह सच है कि तू भी मिट्टी और मैं भी मिट्टी हूं, पर मेरा संघर्ष अलग है। पहले मैं पानी में भीगी, पैरों से गूंथा गया, फिर खुमार के चाक पर चला, थापी की चोट, आग की तपन, ये सब कुछ मैंने सहन किया, संघर्ष झेलने। संघर्ष झेलकर ही मैंने पानी को अपने में रखने की ये ताकत पाई है। भी ऐसे ही मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़े तो पत्थर ने मूर्ति के पत्थर से पूछा, भाई तू भी पत्थर मैं भी पत्थर, पर लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, मुझे पैरों से रौंदते हैं, बिना ध्यान दिए चलते हैं, ऐसा क्यों? मूर्ति के पत्थर ने उत्तर दिया, क्या तू मेरा संघर्ष नहीं जानता? मैंने इस शरीर पर कितनी सहनियों का प्रहार सहे है, कितनी चोट झेली है, मुझे कई बार घिसा गया है, मारा संघर्ष पीड़ा सहकर ही इस रूप में आया हूं। संघर्षों की भट्टी में तपकर ही जीवन प्यारे स्वर्ण बनता है, इसलिए आलोचना में छिपा हुआ सत्य और प्रशंसा में छिपा हुआ झूठ यदि मनुष्य समझ जाए तो आदि समस्याओं का समाधान अपने आप ही हो जाए। जो जीवन में संघर्ष करते हैं ना, जो कर्म करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उन्हें अवश्य अपने जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसलिए ध्यान देना, इस भजन को सुनकर अपने जीवन में उतारना, क्योंकि सुनकर के जब तक आप अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाओगे, बदलाव नहीं लाओगे, अरे आप भागवत सुनते हो, कराते हो, अरे ये कहानियां ये इतिहास तो हमने न जाने कितनी बार सुन लिए और सुन रहे हैं, लेकिन प्यारे मेरा एक ही कहना है, भागवत सुनने के बाद अगर हमारे जीवन में परिवर्तन ना आए, बदलाव ना आए, तो वो भागवत सुनना, वो सत्संग सुनना, वो कराना बेकार है, व्यर्थ है, किसी काम का नहीं। जीवन में बदलाव, जीवन में परिवर्तन ही भागवत है। आइए इस भजन के द्वारा सुनते हैं श्री के प्रेमियों, ये तन की चादर पुरानी हो गई, इस पर नया रंग चढ़ाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है, ध्यान रखिएगा। तन की चादर पुरानी हुई बाबरे,
रतन की चादर पुरानी हुई बाबू रे, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा। करपतन कर्म का दाग धोया नहीं, करपतन कर्म का दाग धोया नहीं, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा। प्यारे हमारे भारत की शान शक्ति में गंगा महान है, लेकिन ये नहीं कि पाप करते रहें और गंगा में डुबकी लगा दें पाप धुल जाए, नहीं। करपतन कर्म का दाग धोया नहीं, क्योंकि बुरे कर्मों का पतन अच्छे कर्मों के द्वारा ही होगा। जो कर्म किया है उसका फल भोगना ही पड़ेगा, कोई मेट नहीं सकता है। कर्म दुनिया से अपने छिपा जाएगा, उनकी नजरों से छिप कर कहां जाएगा। दुनिया वालों से आप कर्म छुपा लो, लेकिन जो घट घट में है हर जगह है, उससे कुछ छिप नहीं सकता। कर्म दुनिया से अपने छिपा जाएगा, उनकी नजरों से छिप कर कहां जाएगा। कर्म जैसा किया वैसा भरना पड़े, कर्म जैसा किया वैसा भरना पड़े, दुख के आंसू बहाने से क्या फायदा। प्यारे कर्म जैसा किया है वैसा भरना पड़ेगा, फिर रोने से कुछ होने वाला नहीं है। और क्या बताया है कभी ने सुनिएगा। घर गृहस्थी में प्रभु का भजन ना करे, रोगी हो करके भोगी का चिंतन करे। कहते महाराज बहुत बीमार है, लेकिन चार पाई पे पड़ा होगा फिर भी हरि का नाम नहीं भोगों का चिंतन कर रहा होगा जी। घर की रस्ती में हरि का भजन ना करे, रोगी हो करके भोगी का चिंतन करे। मन से माया का पर्दा हटाया नहीं, मन से माया का पर्दा हटाया नहीं, रोज माला घुमाने से क्या फायदा, रोज माला घुमाने से क्या फायदा। प्यारे उस माला को घेरने से कुछ होने वाला नहीं है। राम नाम जपना पराया माल अपना, ऐसी वृत्ति से ऐसे मन से कुछ होने वाला नहीं है। और क्या बताया है, जिसने मिटाया नहीं, प्रेम भक्ति में मस्ती में खोया नहीं। हरि के नाम पर जिसने अपने को मिटा दिया, अपना सब कुछ नौछावर कर दिया हरि के नाम पर, उन्हीं का नाम है प्यारे। हाँ अपनी हस्ती को जिसने मिटाया नहीं, प्रेम भक्ति में मस्ती में खोया नहीं। और खुद तो धर्म के पथ पर चला ना कभी, खुद तो धर्म के पथ पर चला ना कभी,
खुद की पूजा कराने से क्या फायदा, तन की चादर पुरानी हुई बावरे, तन की चादर पुरानी हुई बावरे, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा, करपतन कर्म का दाग धोया नहीं, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा, रोज गंगा नहाने से क्या फायदा। हाँ तो लीजिए मेरे भगवत प्रेमियों, बड़ी सुंदर बात बताई गई है। भगवान कहते हैं पैसा कमाना पाप नहीं है, लेकिन जो पैसे को कमाते समय प्रभु को भूल जाते हैं वही सबसे बड़ा पाप है। आप कोई भी काम करो, भगवान का नाम लेकर के करो, क्योंकि जब देता है तो वो छप्पड़ भाड़ के देता है, लेकिन जब लेता है तो चमड़ी उधेर लेता है, क्योंकि देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है। अरे जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं से दिया, क्या हम कुछ साथ में लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाएंगे। जो हम पैसा पैसा करते रहते हैं, लेकिन प्यारे इस पैसे से हर कोई वस्तु नहीं मिल सकती, हर एक चीज नहीं मिल सकती। पैसा जरूरी है, लेकिन पैसे को हमें इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए जितना हम आज के समय में इस पैसे को अपना सब कुछ मान चुके हैं। तो क्या बताया है भजन के द्वारा, गौर करिएगा। सुनिए इस निर्गुण भजन के द्वारा बड़ी सुंदर बात कही है कवि ने। कमाए लियो हीरा चाहे मोती, कपन में जेब नहीं होती। कमाए लियो हीरा चाहे मोती, कपन में जेब नहीं होती। प्यारे चाहे हीरा मोती पन्ना कुछ भी कमा लो, लेकिन मरने के बाद सब यहीं रह जाएगा। कमाए लियो हीरा चाहे मोती, कफन में जेब नहीं होती। कमाए लियो हीरा चाहे मोती, कफन में जेब नहीं होती। और ध्यान करना दौलत से क्या मिलता है और क्या नहीं मिल सकता। अरे दौलत लड़का दे सकती पर पुत्र दिलाना मुश्किल है, दौलत नौकर दे सकती पर सेवक पाना मुश्किल है। अरे दौलत औरत दे सकती पर पत्नी पाना मुश्किल है, दौलत औरत दे सकती पर पत्नी पाना मुश्किल है, दौलत बिस्तर दे सकती पर नींद कभी ना ला सकती। कमाए लियो हीरा चाहे मोती, कफन में जेब नहीं होती। कमाए लियो हीरा चाहे मोती, कफन में जेब नहीं होती। प्यारे दौलत से आपको लड़का मिल सकता है, लेकिन पुत्र नहीं। दौलत से आपको बिस्तर मिल सकता है, लेकिन नींद नहीं। शब्दों पर गौर करिए। और क्या बताया है,
अरे एनक मिलती दौलत से पर नेन कहां से लाओगे, रोटी मिलती दौलत से पर भूख कहां से लाओगे। दौलत से पर नीन कहां से लाओगे, रोटी मिलती दौलत से पर भूख कहां से लाओगे। दौलत से बादाम मिलेंगे पर ताकत ना ले पाओगे, दौलत से बादाम मिलेंगे पर ताकत ना ला पाओगे। सुख दिलाएगी ये दौलत शांति नहीं दिलाती, कमाए ले हीरा चाहे मोती कफन में जेब नहीं होती, कमाए ले हीरा चाहे मोती कफन में जेब नहीं होती। पैसे में जाकर सजनों जहर भी ले आओगे, हाँ 20 करोड़ में भी अमृत की बूंद एक ना पाओगे। हाँ कुछ पैसों में जाकर सजनों जहर भी ले आओगे, 20 करोड़ में भी अमृत की बूंद एक ना पाओगे। दौलत गीता दे सकती पर ज्ञान नहीं दे सकती है, अरे दौलत मंदिर दे सकती पर भवन नहीं दे। कमाए ले हीरा चाहे मोती कफन में जेब नहीं होती, कमाए ले हीरा चाहे मोती कफन में जेब नहीं होती, कमाए ले हीरा चाहे मोती कफन में जेब नहीं होती। हाँ तो मेरे भक्तों, चलते हैं सत्संग में प्रवेश करते हुए। कि ये जिंदगी और ये कंचन जैसी काया प्रभु ने दी है, 2 दिन की जिंदगी है, क्यों गुमान करते हो। मगर जब वो काल अपनी चाल को चलाता है तो वो किसी की नहीं मानता। एक गांव में बड़ा पैसे वाला, बड़ा धन दौलत वाला एक मुखिया जी रहा करते थे। बड़ा ही चारों ओर उनका नाम चलता था। गरीब लोगों की जमीन को छीना करते थे। पुलिस वालों को भी अपना लिया करते थे। मगर जब समय आता है तो समय किसी की नहीं मानता।
धीरे धीरे उम्र ढल गई। एक दिन समय अनुसार किसी कंस के सामने, उस कंस के सामने किसी कृष्ण ने जन्म ले लिया तो मुखिया जी के पीछे पड़ गया, पड़ जाता है तो जैसे ही पुलिस वाले आते हैं, सरकार चेंज हो जाती है, तो मुखिया जी को घर से पकड़ कर ले गए। कोई लोग उन्हें रोक नहीं पाए, मारते घसीटते ले गए, सब लोग हंसने लगे। मुखिया जी की एक भी बात नहीं चल पाई। इसी तरह जो इस काया में मुखिया बैठा है, इस माटी के पुतले में जो मुखिया बोल रहा है, उससे यम के दूत पकड़ने आएंगे तो कोई भी रोक नहीं सकता। कुछ भी उपाय कर ले बंदे, जिस दिन कालबली अपनी चाल को चलाता है तो किसी की नहीं चलती। इसलिए सुनिएगा इस भजन के माध्यम से। Yo, my.
प्रकट बीच में चिता बना कर तुझे जलाएंगे। मरघट बीच में चिता बना कर तुझे सुलाएंगे। घर के बेटा खास जो होंगे वो अग्नि लगाएंगे। काउ दिन आवे यम के ले जाएंगे। अरे 13 दिन तक याद करेंगे फिर तो बुलाएंगे। तेरे दिन तक याद करेंगे फिर तो बुलाएंगे। रो रो कर तेरी जन्म की गाथा सब सुनाएंगे। काउ दिन आवे यम के पल में ले जाएंगे। हो पल में ले जाएंगे जाएंगे। काउ दिन आवे यम के दूत पकड़ी तोई पल में ले जाएंगे। काउ दिन आवे यम के दूत पकड़ी तोई पल में ले जाएंगे। हाँ तो मेरे सत्संग के प्रेमियों, चलते हैं सत्संग में प्रवेश करते हुए। ये जीवन एक कुम्हार की घड़े की तरह है। जैसे कि कुम्हार उस घड़े को पका करके बना करके लाल करके देता है, उसे खरीद करके लाते हैं, बड़ा शीतल जल होता है उसमें। कुछ लोग उस घड़े का ख्याल नहीं रखते, याद नहीं रखते, ध्यान नहीं रखते, उसे व्यर्थ में डाल देते हैं। सोचकर सोचिए वो कुम्हार कितनी मेहनत करके तुम्हें देता है। ठंडा जल पीने के लिए उसे भूल जाते हैं। आज का ये मद
मौज मस्ती करने में बिजी हो जाते हैं। ये इसी तरीके से ये जीवन का घड़ा है, ये प्रभु ने हमें दिया है। अगर हम उस प्रभु को भूल जाएं तो ये नरक से कम नहीं है जीवन। नरक में गर्क होना पड़ेगा, क्योंकि जिसने जो दिया उसे भूलना मत, किसी के कर्ज को भूलना ना चाहिए, क्योंकि ये ईश्वर का कर्जा है। हमें इस दुनिया दिखाई है, इंसान का जन्म दिया है, इंसान के रूप में हम आए हुए हैं, उसे भूल जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए कवि बता रहे हैं इस भजन के माध्यम से, सुनिएगा। सो जन्म तूने पायो, करी पायदा प्रभु से आयो, दिन रात करे तू कमाई, ना प्रभु को भजन तूने गायो। हीरा सो जन्म तूने पायो, करी पायदा प्रभु से आयो, दिन रात करे तू कमाई, ना भजन प्रभु को गायो। और ये जीव जब गर्म मास में होता है, मल मूत्र में होता है, तो प्रभु से कहता है, हे प्रभु मैं तुम्हारा भजन करूंगा, मगर लेकिन बाहर आने के बाद भूल जाता है। अरे गर्भ मास में लटका उल्टा करता प्रभु से विनती है, गर्भ मास में लटका उल्टा करता प्रभु से विनती है, मुझको प्रभु जी बाहर निकालो, गिनता हर रोज गिनती है। बा समय को तूने भुलायो, करी वायदा प्रभु से आयो, दिन रात करे तू कमाई, ना भजन प्रभु को गायो। हीरा सो जन्म तूने पायो, करी वायदा प्रभु से आयो, दिन रात करे तू कमाई, ना नाम प्रभु को गायो। अपना अपना कहता है, वो एक दिन तेरे साथ क्या करेंगे, सुनिएगा। अरे मोह माया में फंस कर बंदे क्यों तू करता दंगा है, मोह माया में कर बंदे क्यों तू करता दंगा है,
तू अपना कहता है वो ही करेंगे नंगा है। मरकट बीच में ले जाकर के वही तुझे नंगा करेंगे। तो माया को मत छायो, कर वायदा प्रभु से आयो, दिन रात तू करे कमाई, ना नाम प्रभु को गायो, हीरा सो जन्म तूने खायो, हीरा सो जन्म तूने पायो, कर वायदा प्रभु से आयो, दिन रात तू करे कमाई, ना नाम प्रभु को गायो। और बताते हैं कवि, ये सोने जैसी काया, चंचन जैसी काया एकदम मिट्टी में मिल जाएगी। कंचन सी तने काया पाई, समय बची तेरी थोरी है, सी तने काया पाई, समय बची तेरी थोरी है, एक दिना मरघट में बंदे फूक जागी तेरी होरी है, धर्म नहीं कर पायो, कर वायदा प्रभु से आयो, दिन रात करे तू कमाई, ना नाम प्रभु को गायो, हीरा सो जन्म तूने पायो, कर वायदा प्रभु से आयो, दिन रात तू करे कमाई, ना नाम प्रभु का गाया, ना नाम प्रभु का गाया, ना नाम प्रभु का गाया। शीरा दे आइए, आप और हम सभी संगीत और सत्संग के इस महासंगम के द्वारा निगुण भजन का आनंद ले रहे हैं। मेरे सज्जनों, ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा, क्योंकि पांच तत्वों से बना हुआ है। एक व्यक्ति शिकार खेलने के लिए जंगल में गया, वहां उसने एक हिरणी को देखा। उसके साथ छोटा सा बच्चा था, उस हिरणी के साथ एक छोटा सा बच्चा था। शिकारी दौड़ा, हिरनी डर करके जंगल में छिप गई, बच्चा पकड़ा गया, शिकारी बच्चे को लेकर के चला, तब हिरनी भी निकल आई और बच्चे के स्नेह वश वह भी पीछे पीछे उसके चलने लगी। आज पुत्र मोह के कारण उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शिकारी उस बच्चे को अपने गांव में लेकर के आ गया, लेकिन क्या होता है कि वो हिरणी भी बेचारी रोती बिलकती हुई उसके पीछे ही आ गया। आज उस शिकारी ने जब उस हिरणी को देखा, उसकी आंखों से आंसू चल रहे हैं, वो बेचारी रो रही है। उसने दिल में विचार किया, एक माँ है और एक माँ के बच्चे को अगर मैं मां से दूर कर दूंगा तो मुझे बहुत बड़ा दोष लगेगा, पाप लगेगा,
इसकी आत्मा मेरे ऊपर अगर पड़ गई तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। उसे दया आ गई और उसने उस बच्चे को हिरणी के पास छोड़ दिया और प्रणाम किया, हे मां आप अपने बच्चे के साथ निडर होकर के यहां से जंगल में जाइए, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। उस हिरणी ने मेरे सज्जनों उस शिकारी को आशीर्वाद दिया और बच्चे को लेकर वो वहां से चली गई। उसने स्वप्न में देखा कि कोई कह रहा है इस दया के फल स्वरूप तुम्हें बादशाही मिलेगी। शिकारी ने स्वप्न में क्या देखा कि कोई कह रहा है आपने जो दया की है ना, जो कार्य किया है, उसके बदले में आपको बादशाही मिलेगी। आगे चल करके बताया जाता है कि गजनी बादशाह हुआ था। तो इस दुनिया में कोई भी किसी का नहीं है, हम अपना अपना ये मेरा वो मेरा में लगे पड़े हैं, लेकिन सब यहीं रह जाएगा। कुछ दूसरों के लिए जियो, कुछ दूसरों के लिए करो, कुछ उदारता, कुछ अच्छे अच्छे काम दुनिया में करके जाओगे तो दुनिया वाले तुम्हें याद करेंगे। आइए सुनते हैं इस भजन के द्वारा। हाँ, तो आप सभी आनंद ले रहे हैं संगीत और सत्संग के इस महासंगम के द्वारा जो निर्गुण भजन, सत्संगी भजन, चेतावनी भजन, ये मिट्टी का खिलौना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। हमारा तुम्हारा सबका शरीर पांच तत्वों से बना हुआ है और उन्हीं पांचों तत्वों में मिल जाएगा। आकाश, जल, वायु, जो पांच तत्व है ना, उन पांचों तत्वों में ही मिल जाता है। और क्या बता है कभी नहीं सुनिएगा। अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मन मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी हो जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हम कहते हैं ये मेरा बेटा, लेकिन बेटा भी एक दिन पड़ोसी हो जाएगा। पुत्र चार
पड़ोसी तो एक दिन जला के चला जाएगा, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। सब कुछ तेरा एक दिन यहीं